जब ये लूप के अंदर सर जी एस डॉट कलर को, यानी कि स्टार्टिंग नोड का कलर सेट कर रहे हैं और उसे जीरो कर रहे हैं ना, तो ये लूप के बाहर नहीं करना चाहिए था जो फोर का लूप लगा है, जिसमें हम बाकी नोड्स के कलर को यानी कि सेट कर रहे हैं, उनका क्या कहते हैं डिस्टेंस सेट कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग नोड है उसे हमें लूप से बाहर नहीं करना चाहिए था ये सेट। उसे बाहर ही कर रहे हैं, और सर वो बाहर कर रहे हैं वो लूप सामने ब्रेसिस नहीं लगा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा जी आ रहा नजर। तो एस लूप के अंदर है लूप के बाहर है। सही है एस डॉट गई सही है, वो ब्रैकेट नहीं लगे, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाके बंद हो रहा है। इंडेंटेशन नजर आ रही है। सर जी हाँ ठीक है वो बाहर है ठीक है, और मुझे लगा पता नहीं वो लूप के अंदर कर रहे हैं उसे। ध्यान से देखा करना, ठीक है सर ठीक लगा लगाना ना, करा करना, ठीक है। है सर ठीक है। हाँ चलिए, सर वो कुछ सबमिट करवाना था अब नहीं हो सकता। सर, वो स्टार्ट लेट हुआ था थोड़ा। बेटा कोई लेट नहीं हुआ था, अब 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मैंने सर दो मैंने मिनट लेट रह गए थे स्टार्ट हुआ बेटा, था सर। बेंच मैंने 2 मिनट ले 2 मिनट रह गए थे तब भी बताया था, 1 मिनट रह गया था तब भी नहीं बताया था। नहीं सुनना तुम्हारी अपनी मर्जी है यार, यू हैव राइट सर वो टू सॉल्व कर रहे नॉट थे। सबमिट। नहीं बेटा अब ये बात मैंने कहा है, 10 मिनट का क्विज है, 5 मिनट अपलोड करने के लिए, एक दफा नहीं कहा, एक दफा से ज्यादा कहा है। अच्छा जी, ये हमने एग्जाम्पल की थी और एंड यहाँ पे हुआ था, ठीक है जी, फॉर का लूप खत्म हो गया था। अब ये जो आपको ब्रॉड लाइंस नजर आ रही हैं, अगर आप गौर करें तो ये एक किस्म का ट्री बन गया है, जो बताता है रूट से लेके किसी भी नोड तक का पाथ क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस। अगर मैं इसको ट्री की शक्ल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हम कह सकते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये ब्रेथ फर्स्ट ट्री बनाता है। आर के बाद वी है मेरे ख्याल में, वी डब्ल्यू से टी और एक्स निकल रहे हैं, एक्स है, टी से यू है, एक्स से वाई है। सो एस डब्ल्यू एक्स वाई ये पाथ है, सो ये रूट ऑफ द ट्री हो गया, और ये फिर उसमें रूट से हर जगह पहुंचने का पाथ भी आपको नजर आ रहा है और डिस्टेंस भी नजर आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस नजर आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ब्रेथ फर्स्ट ट्री बनाता है, और ये जो एजेस हैं इस सो कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट ट्री में, ये ट्री एजेस कहलाते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, सो ऑन। ट्री एजेस
चलिए जी, ये वो सिचुएशन थी जहाँ पे सोर्स से बाकी सारी नोड्स तक कोई पाथ था, ठीक है जी। ये हो सकता है कि सोर्स से किसी नोड की तरफ पहुँचने का कोई तरीका ही ना हो, ठीक है जी। तो उस सूरत में, उस ब्रेथ फर्स्ट ट्री में वो वाली नोड्स आएंगी ही नहीं जो कि एस से यानी कि सोर्स से रीचेबल नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादातर उस सूरत में होता है जब हमारा ट्री जो है ये सॉरी हमारा ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ हो। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, इसमें ये सिचुएशंस कम नज़र आएंगी, लेकिन अगर डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो इसमें ये सिचुएशन ज़्यादा नज़र आएंगी। ऊपर जो एग्ज़ाम्पल थी यहाँ पर, ये डायरेक्टेड वाली, अगर ये सोर्स दे दिया जाए तो इन दो नोड्स तक पहुँच नहीं सकते। तो अगर ये सोर्स नोड है, इसका जो ब्रेड फर्स्ट ट्री बनेगा उसमें ये दो होंगी नहीं, ठीक है जी। नाउ बस आखिरी बात कह के तो मैं फिर अब दूसरे पे चला जा रहा हूँ कि ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है वो एक गिवन सोर्स नोड से स्टार्ट करके सबसे पहले वो नोड्स डिस्कवर करती हैं, ट्रेवर्स करती हैं, विजिट करती हैं जो उनसे एक एच अवे होता है। फिर वो नोड्स विजिट करता है जो दो एजेस अवे होता है। जब दो एजेस अवे वाली सारी वर्टिसेस विजिट हो जाती हैं, उसके बाद तीन एजेस अवे वाले वर्टिसेस जो हैं वो विजिट होते हैं। सो दिस इज ब्रेथ जी। एज अपोज टू दिस, second is depth first search, traversal visit, ठीक है, TFS, to search deeper at greatest distance from a given node whenever possible. deeper से क्या मुराद है? deeper से मुराद है कि जिसका distance जो है वो सोर्स से बढ़ता जाए। सो कोई भी सोर्स नोड गिवन है, ठीक है, उसमें से ये एक एज अवे वाली कोई भी वर्टिक्स पकड़ लेगा, कोई भी वर्टिक्स, उसके बाद फौरन जो सोर्स से दो एजेस अवे वाली कोई भी नोड है उसको पकड़ के विजिट करेगा। उसके बाद वो देखेगा इससे तीन एज अवे वाली कोई है, तीन एज अवे वाली कोई है, उसकी तरफ चले जाएगा, फिर चार एज अवे वाली। ये डीपर का मतलब है। डीपर मीन लार्जर डिस्टेंस और ग्रेटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स नोड, तो ये डेप्थ में जाएगा, ठीक है जी। वो जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पड़ा था तो वो प्री ऑर्डर करते थे ना, रूट से लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, जब तक के लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाते थे, फिर ऊपर आते थे, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह का है। तो ये ग्रेटर डेप्थ में पहले जाता है, ठीक है जी। इसमें भी ये जो रेड वाली लाइंस नज़र आ रही हैं ये असेंशियल नहीं है। अगर इन लाइनों को निकाल दिया जाए तब भी डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड जो है वो ठीक चलेगा। आप एक गिवन ग्राफ में, चाहे वो डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, आप उसकी जो नोड सोर्स से विजिट हो सकती हैं उनको वो विजिट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक फंक्शन था, इसमें दो फंक्शन है, और अभी पता चल जाएगा आपको दो फंक्शन क्यों है। अभी मैं आपको बता के क्या हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, कि अगर ये हमारे पास ग्राफ होता और ये सोर्स नोड होता तो ये वाला एल्गोरिदम जो था ये सिर्फ इन्हीं नोड्स को ट्रेवर्स करता, विजिट करता, इन दो पे जाता ही ना,
ठीक है जी, क्योंकि ये सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। सो इस चीज़ को ओवरकम किया है डेप्थ फर्स्ट ने ये दो फंक्शन लगा के, कि अगर मैं इसी ग्राफ के ऊपर इसी को सोर्स नोड बना लूँ और फिर कहूँ यार डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है, तो ये इनको भी ट्रेवर्स करेगा और इनको भी ट्रेवर्स करेगा, ये ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको ट्रेवर्स करता है, इसलिए ये दो बनाए गए हैं। इनको समझ लीजिए, फिर BFS को आप मॉडिफाई कर लेना कि BFS भी चाहे वर्टिसेस सोर्स से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं उन्हें भी वो विजिट करेगा, ठीक है जी। चलिए जी, ये वाली कोड तो ऑलमोस्ट वही है जो पीछे है। इसमें हर वर्टिक्स के साथ दो एट्रीब्यूट अटैच किए गए हैं, दो एट्रीब्यूट अटैच किए गए नहीं ज़्यादा किए गए हैं, यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं, बाकी आगे नज़र आएंगे। एक तो वही कलर का, और कलर होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ब्रेड फर्स्ट सर्च में जो कलर हमने यूज़ किए थे उनका पर्पज़ ये था कि लूप में ना जाते रहें, ग्राफ में लूप्स होते हैं ना जिसे हमने साइकिल्स कहा था, कि वो उन्हीं साइकिल्स में ही घूमते रहें और सारी ज़िंदगी उस साइकिल से बाहर ना निकलें और एल्गोरिथम कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये कलर हमें बताते हैं, अगेन वही कॉनोटेशन है जो पीछे वाली थी, वाइट का मतलब है अभी इस वर्टेक्स को एल्गोरिथम ने डिस्कवर नहीं किया, ग्रे का मतलब है इसे डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह फुली एक्सप्लोर नहीं किया, ब्लैक का मतलब है इसको ना सिर्फ इस वर्टेक्स को विजिट कर लिया है बल्कि उसे फुली एक्सप्लोर भी कर लिया है, ठीक है। पाई जो है प्रेडिसेसर है, ठीक है, और ये प्रेडिसेसर की वजह से ये ट्री भी बना था, ये जो भी हमने ब्रेड फर्स्ट सर्च का ट्री देखा है वो इसी प्रेडिसेसर की वजह से देखा था, इसका मतलब है यहाँ पे भी डेप्थ फर्स्ट ट्री बनेगा, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट बनेगा है, कि एक से ज़्यादा ट्री बन सकते हैं, ठीक है जी। ये एडिशनल कुछ चीज़ें ये एल्गोरिदम कर रहा है जो कि आपको लाल में यहाँ भी और यहाँ भी नज़र आ रही हैं, ये सबसीक्वेंट एल्गोरिदम्स जो हैं जिन्होंने डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करना है उनमें इनकी यूटिलिटी है, ये जो टाइम वाले हैं, ये टाइम है, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें डाल दिए गए हैं, ये ऐसा चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये नंबर चार लाइन को नंबर 1, 2, 9, 10 को निकाल दें तब भी ये परफेक्टली फाइन चलेगा, तमाम वर्टिसेस को डिस्कवर कर लेगा। टाइम है जी, यहाँ पे आता हूँ तो फिर मैं टाइम बताता हूँ, इनिशियली इसको टाइम को ज़ीरो कर दिया कि इस टाइम पे एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, फॉर ईच वर्टेक्स के जो कि वर्टेक्स सेट का मेंबर है उसका कलर चेक करता है, अगर तो कलर वाइट है तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कलर वाइट है तो तब उसके ऊपर एक्टिविटी करता है, तब वो कहता है हाँ जी ये कलर ग्रे, मैंने इसे विजिट कर लिया। सेम इज द केस हियर, अगर कलर वाइट है इसका मतलब है ये डिस्कवर नहीं हुआ, तो अच्छा अब इस नोड को सो कॉल्ड रूट बनाओ या सोर्स नोड बनाओ और उस सोर्स नोड से जितनी भी नोड्स कनेक्टेड हैं उनको डिस्कवर करो। तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट वही है जो BFS है, हम उसे ग्राफ देते हैं, सोर्स नोड देते हैं और उस सोर्स नोड से जितनी नोड्स कनेक्टेड होती हैं वो उनको डिस्कवर करता है। सो यहाँ पे टाइम ज़ीरो था, सो ये टाइम इज इक्वल टू 1 है, एक किस्म की आप अभी देखोगे कि पहली नोड डिस्कवर हो गई है। ये हर वर्टिस के साथ ये दो एट्रीब्यूट्स थे कलर और प्रेडिसेसर का, ये तीसरा एट्रीब्यूट है डी का, ये डी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ब्रेड फर्स्ट में ये डिस्टेंस था, यहाँ पे है डिस्कवरी टाइम, यहाँ पे इस डी का मतलब है डिस्कवरी टाइम, किस वक्त किस टाइम के ऊपर इस नोड को डिस्कवर किया है इस एल्गोरिथम ने, ठीक है जी। वो ये इस
कि कलर इसका ग्रे कर दिया, हाँ जी मैंने डिस्कवर कर लिया, इसे मिल गई है मुझे ये नोड। अब इस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनके साथ एक्टिविटी कर रहा है जैसे ब्रेडफर्स्ट करता था। सो यहाँ पे भी जो है ये ग्राफ जो है एज ए सो कॉल्ड एडजेसेंसी लिस्ट के तौर पे दिया गया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के तौर पे नहीं दिया गया। अब इस ग्राफ के ऊपर जो है इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। शुरू में इसने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सारी नोट्स का कलर जो है वो वाइट कर दिया था, ठीक है जी, और उनका प्रेडिसेसर नील कर दिया था, और फिर ये नोट जो है वो यहाँ पे आ गई थी। ये ग्राफ है जी, ये नजर आ रहा है या बड़ा कर दूं जरा इसे? कर दे बड़ा सर, थोड़ा सा कर रहा हूँ जी, बेटा कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप नजर आ रहा है? जी सर, चलिए। तो ये हमारा जो ए में आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये देखिए बाकी सब वर्टिसेस जो हैं ये वाइट हुए हुए हैं, और ये एग्जांपल अब जो है आपके सामने ये डायरेक्टेड ग्राफ की है। दोनों एल्गोरिदम डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड के ऊपर चलते हैं। पहली एग्जांपल जो हमने वहाँ पे ली थी वो अनडायरेक्टेड ग्राफ की थी, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। सो पहला वर्टिक्स जो कि डी एफ एस को भिजवाया गया के यानी के, वो ये यू वर्टिक्स है। ये इसमें आप देख रहे हैं वन स्लैश लिखा हुआ है, ये वन जो है ये डिस्कवरी टाइम है, टी जीरो था यहाँ पे आया, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस वन हो गया, तो के डी इज वन। ये वर्टिक्स इस एल्गोरिदम ने टाइम वन पे डिस्कवर की थी, ठीक है जी, और उसका कलर ग्रे कर दिया। अब इसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी उसके ऊपर आप देख रहे हैं, अब मैं वो बनाऊंगा नहीं, वो पहली दफ़ा आपको बना के दिखा दिया था, अब आप खुद से एडजेसेंसी लिस्ट बना के देख सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर दो नोड्स हैं, एक V है और एक X है, ऐसा ही है ना जी? जी सर, जी सर। सो यहां से उसने U की एडजेसेंसी लिस्ट से इसकी एडजेसेंट नोड उठाया, लेट से वो V था, V का कलर चेक किया, V का कलर वाइट है, इसका प्रेडिसेसर सेट कर दिया, ये इसका प्रेडिसेसर ये है, तो ये जैसे उसमें करते थे ब्रेडफर्स्ट में करते थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं कि इस एज को ब्रॉड कर दिया, थिक कर दिया, ठीक है। सो ये प्रेडिसेसर है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे किया क्या, ये रिकर्सिव फंक्शन है, यहाँ से अब इस वर्टेक्स को जो कि डिस्कवर ऑलमोस्ट हो गया है, इसको सोर्स बना के अब इसे का दोबारा विजिट कर दो। सो अब ये जो के जो है यहाँ पे वी आया है, टाइम देखिए, टाइम पहले वन था, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस वन कर दिया, टाइम टू आ गया, इस नोड का डिस्कवरी टाइम टू हो गया, यहाँ पे ये टू लिखा गया है, और इसका कलर ग्रे कर दिया गया, ये इसका कलर ग्रे कर दिया गया। अब तस्वीर में यार 5 तस्वीरें बनानी पड़ेंगी इसको दिखाने के लिए। सो ये जो इसका कलर ग्रे हुआ है और इसका टाइम जो है वो टू सेट किया गया है, वो यहाँ से रिकर्सिव कॉल हुई थी, तो यहाँ से उसको ग्रेटर डेप्थ में जाना है ना। अब इसे ये देखो, ब्रेड फर्स्ट होता तो इसको पहले विजिट करता और फिर इसको विजिट करता, दोनों वन डिस्टेंस अवे को विजिट कर देता। ये डेप्थ फर्स्ट क्या है, इन दोनों में से किसी एक को भी पकड़ लेता, जरूरी नहीं है इसको पकड़ता, इसको भी पकड़ सकता था। उसके बाद कहता है अच्छा इससे एक डिस्टेंस अवे दूर कौन सा है, उस पर जाने की कोशिश करता, डीपर जा रहा है, ठीक है। सो के डी टाइम इज इक्वल टू टू इसका कदर कर दिया। अब इसकी एडजेसेंसी लिस्ट, वी की एडजेसेंसी लिस्ट लाइन 4 में देख रहा है, इस पे कौन सा है जी, इस पे जनाब साहब इसको आप पे नजर आ रहा है कि इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ एक ही वर्टेक्स है और वो वाई है। सो यहाँ से उसको वाई मिलता है, वाई जो है इस वेरिएबल एल में आ जाता है,
वाई का कलर चेक करता है, वाई का कलर वाइट है, हाँ जी वाई का कलर वाइट है, इसका प्रेडिसेसर सेट कर दो कि वाई तक पहुंचने के लिए आपको यू से होके आना पड़ता है, ये उसने इस एच को थिकन कर दिया, ब्रॉड कर दिया, और फिर इस वर्ड नोड को, ये वाली नोड जो है, इसको एज ए सोर्स नोड बना के फिर रिकर्सिव कर दिया। सो अब टाइम का टाइम वेरिएबल में वैल्यू 2 थी, इसमें जमा 1 किया 3 आ गया, तो y का डिस्कवरी टाइम जो है वो 3 हो गया, ये 3 लिखा गया y का डिस्कवरी टाइम। अब इस y की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है बताओ भी, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है? इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में x पड़ा हुआ है, x पड़ा। तो x का प्रेडिसेसर वो सेट कर देता है y को, ये x का प्रेडिसेसर y, ये एज थिकन हो गया, ब्रॉड हो गया, और उसके बाद इसने इसको भिजवाया दोबारा से सोर्स बना के। चला भाई इस पे जाओ, इसका टाइम सेट किया, टाइम पहले 3 था, 3 जमा 1 4, इसका डिस्कवरी टाइम 4 हुआ, इसका डिस्कवरी टाइम 4 हुआ, इसका कलर ग्रे कर दिया गया, ठीक है, कि एल्गोरिथम ने इसे डिस्कवर कर दिया। अब इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या, तो x की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है? v x v है, v v का कलर क्या है, वाइट है, ग्रे है, वाइट नहीं है ना, नो, तो ये देन क्लॉज स्किप हुई, ये वापस ऊपर गया। x की एडजेसेंसी लिस्ट पे कोई और नोड है v के अलावा? No. तो इसका मतलब है ये लूप खत्म हो गया। X को आप ये इसका कलर ब्लैक कर देगा, ये इसने डॉटेड लाइन लगाई, ये इसका कुछ मतलब है ये बाद में, ठीक है जी। इसके ऊपर A लिखा हुआ है, इसके का मतलब है ये बाद में, ठीक है, पहले ये मेन एल्गोरिथम समझ आ जाए, ठीक है जी। ये देखिए इसका कलर उसने ब्लैक कर दिया, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1, पहले टाइम 4 था, ये 4 था, जमा 1 5 हो गया, के एफ, ये हर वर्टिस के साथ एक ये मजीद एट्रीब्यूट है, एफ का मतलब है फिनिश टाइम, कि भाई अब एल्गोरिथम कह रहा है कि मैं इस वर्टिक्स से फिनिश हो गया, मैंने इस वर्टिक्स के साथ अब दोबारा जो है, जब तक ये एल्गोरिथम चल रहा है, मैंने और कोई काम नहीं करना इसके साथ, बिल्कुल वही कॉनोटेशन है जो ब्रेड फर्स्ट में थी, यानी इसको फुली डिस्कवर्ड कर लिया है, इसके जितने भी चिल्ड्रन थे उनको देख लिया है मैंने। वहां पे क्या था, नोड को ब्लैक कब करते थे, जब उसके सारे चिल्ड्रन को कर लेते थे, यहाँ भी ब्लैक अप कर रहे हैं इसके चिल्ड्रन सो कॉल्ड, ये इसका एक ही चाइल्ड था, उसकी एक्टिविटी पहले हो चुकी भी है, अभी हो गया। सो ये के एफ टाइम फिनिश टाइम 5 कर दिया, सो ये एल्गोरिदम ख़त्म हो गया, ये रिकर्सिवली कॉल्ड ख़त्म होगा, ये रिकर्सिवली कॉल्ड ख़त्म होकर रिटर्न कहाँ पे होगा, किस लाइन पे रिटर्न होगा, लाइन 10 चल पड़ी, फंक्शन खत्म हो गया, ये रिकर्सिव कॉल थी, वापस किस लाइन पे पहुंचेगा, पिछली कॉल ऊपर वाले फंक्शन में, जो ऊपर फंक्शन है हमारा, ये नहीं, ये बस नहीं, एनीबॉडी एल्स, हाँ बोलो यार, ये पीछे पता नहीं तुम्हारे कौन है, हाँ कहाँ पहुंचेगा वापस सर, लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 कौन सी वाली सर, ये जो फोर लूप वाली नहीं है सर, 7 पे आएगा ना, तो 7 से तो फिर वो चेक करेगा जिस की लिस्ट में कोई पड़ा है, 7 पे वापस आएगा इस जगह के ऊपर, इससे आगे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, इससे आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से दोबारा 4 के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, आएगा पहले यहाँ पे, यहाँ पे जो इसका
मशीन कोड पढ़ा होगा वहां पे गो टू लिखा होगा, तो वो गो टू से यहाँ पे आ जाएगा, आएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। फॉर लूप का जब आप मशीन कोड बनाते हो और जब कंपाइलर, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, तो वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसके नीचे गो टू लगा होता है कि यहाँ से इसके बाद दोबारा ऊपर चला जाए लूप की पहली लाइन के ऊपर सो कॉल्ड, या यहाँ पे लूप की पहली लाइन पे होगा, या यहाँ पे उसके बाद लूप वेरिएबल ने इंक्रीमेंट करना होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके बाद ऊपर चला जाएगा अगर कोई और लाइन नहीं है इसके नीचे सोर्स कोड। सो वो जब आएगा तो उस वक्त ये जो के वेरिएबल है उसमें क्या पड़ा होगा? सर वाई पड़ा होगा, वाई पड़ा होगा, यहां पे आए थे, यहां से फिर यहां गए थे, ये देख रहे हो ना, ये इसका प्रेडिसेसर था। जब वापस आएगा तो यहां पे आएगा, के में वाई पड़ा होगा, ऊपर गया, वाई की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? नहीं जी, एक्स थी, एक्स से काम कर लिया, ये फोर का लूप खत्म हुआ, इस जगह पे आया, वाई का कलर ब्लैक किया, टाइम के वेरिएबल में 5 पड़ा हुआ था, 6 हो गया, तो इसका टाइम उसने फिनिश टाइम 6 लिख दिया, ये टाइम 3 के ऊपर इसको डिस्कवर किया था, और टाइम 6 वो टाइम है डिस्कवर किया था, एल्गोरिथम ने पहली दफा इस वर्टेक्स को टच किया था, ठीक है, और 6 वो है जहाँ पे हमने वर्टेक्स वाई के सारे चिल्ड्रन से एल्गोरिथम ने काम कर लिया है, ठीक है जी। तो ये फंक्शन दोबारा खत्म हुआ, अब जब दोबारा खत्म हुआ तो फिर आप कहाँ पे पहुंचाइए? सर वी पे, लाइन नंबर सोर्स कोड 7, यहां से फिर ऊपर। अब के में क्या है? ये हम वाई पे गए थे वी से, तो जब ये वापस आया तो के में वी पड़ा हुआ है, V की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? एक नोड थी उस पे तो हमने काम कर लिया, Y के ऊपर कोई और इसकी नोड है? नहीं है जी, ये खत्म हुआ, K का कलर ब्लैक किया, K मतलब V का कलर ब्लैक किया टाइम वेरिएबल में, क्योंकि वो टाइम वेरिएबल लोकल वेरिएबल नहीं है, तो उसमें 6 पड़ा हुआ था, 1 इंक्रीमेंट किया, 7 आ गया, तो V का फिनिशिंग टाइम 7 कर दिया, फंक्शन फिर खत्म हुआ, दोबारा इस लाइन पे पहुंचा, यहां से फिर दोबारा फॉर के ऊपर आया। अब के में क्या पड़ा हुआ है? वाई कहां से पहुंचे थे? वाई यू से पहुंचे थे, अब के में यू पड़ा हुआ है, यू की एडजेसेंसी लिस्ट पे कोई और है? यू की एडजेसेंसी लिस्ट पे वी था, वी से चलते चलते यहां तक पहुंचे थे, तो ये कहेगा हां जी यू की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर एक और नोड भी है, उसका नाम एक्स है, लाइन 5 पे आएगा, एक्स का कलर क्या? वाइट है? नहीं जी वाइट नहीं है, ये यहाँ से वापस आके तो फिर ऊपर आएगा कि एक्स तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, मैंने उसके साथ क्या करना है। तो फिर से यू की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और है? एक्स को देख लिया, वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, नहीं जी कोई और नहीं है, ये यहाँ से खत्म हुआ, वापस आया, एक्स का कलर ब्लैक किया, टाइम के वेरिएबल में 7 पड़ा हुआ है, 7 + 1 = 8, तो यू का फिनिशिंग टाइम जो है वो 8 लिख देगा, ये 8 लिख देगा, ठीक है। अब ये बी, ये एफ, बात की बात, 8 पे ये खत्म हो गया जी, ठीक है जी, ये फंक्शन खत्म हुआ। अब कोड कहां रिटर्न होगा? एग्जीक्यूशन कहां पहुंचेगी? अब ये ऊपर वाले कोड में, यू को कहां से कॉल किया गया था?
तो ये ऊपर वाले जो यहाँ से जब वो खत्म हुआ यहाँ पे वापस आया, ठीक है, दोबारा यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। सो अब ये देखो, ये एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, ये वर्टेक्स सेट है। वर्टेक्स सेट में से सारी नोड्स अब देखेगा, यू पहले देख ली थी, फिर वी पे जाएगा। वी का कलर वाइट है, नहीं वी के कलर वाइट नहीं है, हम इस स्टेज पे थे, वी का कलर वाइट नहीं है। फिर अगली नोड उठाएगा वाई, नहीं जी इसका कलर भी वाइट नहीं है। फिर अगली उठाएगा एक्स, नहीं इसका भी वाइट नहीं है। फिर अगली उठाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का कलर वाइट है, हाँ जी डब्ल्यू का कलर वाइट है। तो अब डब्ल्यू के कलर के ऊपर दोबारा भेजेगा। ये देखो आप, ये यू से डब्ल्यू रीच नहीं कर सकते थे, इसलिए ये फंक्शन अलहदा से डाला है कि ओरिजिनली जो सोर्स दिया था यू, उससे जितने भी कनेक्टेड थे इसने रिकर्सिवली कॉल करते करते जितने रीच हो सकते थे वो उसने डिस्कवर कर लिए हैं। जब सारी डिस्कवरी खत्म हो गई है जो कि यू से हो सकते थे, ये वापस इधर पे आ, कलर सेट कर दिए मैं, अब यहाँ से देख रहा है कौन सा बच गया है वर्टेक्स सेट में जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। उसने कहा जी डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू, चलो डब्ल्यू को सोर्स बना के दोबारा खिंचवा दे, ठीक है। देखो टाइम को रीसेट नहीं किया, टाइम वही है जो चल रहा था, तो दोबारा यहाँ पे आया। टाइम के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ था अभी, टाइम के वेरिएबल में आठ पड़ा हुआ था, आठ जमा एक किया नौ, नौ जो है वो डब्ल्यू के उसमें डाल दिया डिस्कवरी टाइम में। अब पॉइंट ये है कि ये छोटा हो गया है और ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, लेट मी ट्राई, इतने पार्ट को जा सकते हैं। जिंदा हुआ, इसको पढ़ेगा कौन, बस 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 चला जी। अब होपफुली आपके सामने आ गया अलगोरिथम, और चला जी। सो वी आर हियर जी, डब्ल्यू उसने भिजवाया, टाइम आठ था पहले, एट प्लस वन नाइन हो गया, इसका डिस्कवरी टाइम नाइन डाला, इसका कलर ग्रे किया। अब इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे गए हैं, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर वाई भी है और जेड भी है। जेड से पहले उसने वाई को उठाया यहाँ से, क्या वाई का कलर वाइट है, नहीं जी वाई का कलर वाइट नहीं है। तो ये देन क्लॉज सिक्स और सेवन लाइन दोनों स्किप होकर दोबारा ऊपर पहुँच गए यहाँ पे। हाँ भी डब्ल्यू की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और वर्टेक्स है, हाँ जी जेड है जी, वेरी गुड। क्या Z का कलर वाइट है, हाँ जी Z का कलर वाइट है, वेरी गुड। सो इसका प्रेडिसेसर जो है Z का वो W बना दो, ये लाइन थिकन कर दी है या उसने ब्रॉड कर दी है, ठीक है जी। और लाइन सेवन से दोबारा रिकर्सिव कॉल की है, इस Z को जो है उसने क्या बना दिया है, खुदा वाला करे Z को सोर्स बना के भिजवा दिया। सो टाइम के वेरिएबल में नौ पड़ा हुआ था, उसने इसे इंक्रीमेंट किया दस कर दी है। So, W का डिस्कवरी टाइम 10 आ गया, W का कलर ग्रे कर दिया, W की Z की एडजेसेंसी लिस्ट पे गए, Z की एडजेसेंसी लिस्ट पे कोई और नोड पड़ी हुई है, कोई नोड पड़ी हुई है Z की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर, सर Z ही होगा। हाँ ये एज है ना बेटा, जब भी एज है इसका मतलब है एडजेसेंट नोड है, वो ये यही है, सेल्फ लूप है, वो ग्राफ के पहले लेक्चर में बताया था लूप कहते हैं या सेल्फ लूप कहते हैं। हाँ जी Z है जी, Z का कलर वाइट है, नहीं जी कलर वाइट नहीं है। लाइन 6 और 7 स्किप हुई, दोबारा लाइन 4 पे आके Z की कोई और एडजेसेंट नोड है, नहीं जी एडजेसेंट नोड नहीं है। यहाँ से वापस यहाँ पे आए, Z का कलर ब्लैक कर दिया, टाइम को इंक्रीमेंट किया 11 आ गया,
इसका फिनिशिंग टाइम 11 कर दिया। फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन खत्म होकर रिटर्न कहाँ होगा? फिल लाइन नंबर 7 पे, 7 पे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे K जो है वो W है जी, बिल्कुल। यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, W की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और वर्टेक्स है? नहीं जी, दो वर्टेक्स थी, आपने दोनों पहले से ही देख लिए हैं। ये वापस आया यहाँ पे, W के कदर को ब्लैक किया, टाइम इंक्रीमेंट करके 12 किया, और इसका फिनिशिंग टाइम जो है ये 12 सेट हो गया, ये 12 यहाँ पे आ गया जी। ठीक है जी, जी सर। फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, वापस कहाँ रिटर्न होगा? सही, ऊपर फंक्शन में जो यहाँ पे रिटर्न हुआ जी, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ से वापस ऊपर गया। अगला वर्टेक्स बताओ जी, सेट में कौन सा पड़ा हुआ है? वो जेड था, जेड अभी देखा है, ब्लैक कर दिया हमने, खत्म हो गया। कोई और है? नहीं है, एल्गोरिथम खत्म। तो अब देखो, फंडामेंटली अब दो ट्री बन गए हैं। पहला ट्री यहां से शुरू होता है, दूसरा ट्री यहां से शुरू होता है। लेट मी ड्रॉ इट, को नजर आ जाए। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, ये डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट बनाती है। फॉरेस्ट क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा ट्री हो। तो लेट्स बिल्ड दैट ट्री जी, दो ट्री बनेंगे, यू यू से वी, और ये डायरेक्टेड है, तो डायरेक्टेड ट्री बनेगा। V से Y, Y से X, ये आपको ट्री कम लग रहा है, लिंक लिस्ट ज्यादा लग रही है ना, ऐसे ही है ना जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्यू ट्री ही बने, ये तो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा ट्री बनेगा, उसका रूट जो होगा वो W होगा, उसका एक ही चाइल्ड है Z जी। तो ये भी सोर्स से किसी भी नोड तक पहुंचने का पाथ बता रहा है आप, ठीक है। और वही एल्गोरिदम है सर, इसके जिसमें यू के भी दो चाइल्ड थे, डब्ल्यू के भी दो चाइल्ड थे। अब वो हमने वी वाला चूज किया था यू के लिए, और डब्ल्यू के लिए हमने क्योंकि वो विजिटेड हो गया, मगर हम उसके साथ चाइल्ड लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब यू अगर हम वी से ना जाते, हम एक्स से जाते। प्रेडिसेसर बता रहा है, प्रेडिसेसर बता रहा है कैसे पहुंचे हो। अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका प्रेडिसेसर जो है ये है, इसका प्रेडिसेसर ये है, इसका प्रेडिसेसर ये है। तो ये जो थिक लाइंस हैं, यही ट्री एजेस हैं। इन थिक लाइंस को ट्री एजेस कहते हैं। मैं उधर भी बता के गया था, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, ये ट्री एजेस हैं, ठीक है जी। और ट्री आप डेटा स्ट्रक्चर में कहीं ज्यादा पढ़ाए हुए हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई खास बात नहीं कर रहा। तो ठीक है जी, ये वही एल्गोरिथम है जो पहले देखा था। इसे कोई भी सोर्स दीजिए, कोई भी डेस्टिनेशन दीजिए, ये प्रिंट कर देगा पाथ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे पीछे, क्योंकि वो बात हो चुकी हुई है, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करना चाहता, ये पहले कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये नोड, ये प्रेडिसेसर, ये पहले उधर भी देख लिया था आप, ये चलते चलते यहाँ पे देख सकते हैं। U का प्रेडिसेसर नेल है, V का प्रेडिसेसर जो था ये U सेट किया था, Y का प्रेडिसेसर जो है ये V सेट किया था, X का प्रेडिसेसर जो है वो Y सेट किया था, W का इनिशियली नेल था क्योंकि ये दूसरा ट्री बना है, ये आपको नजर भी आ रहा है। Z का प्रेडिसेसर जो है वो W, ठीक है जी। अब आप इसी एल्गोरिदम को S जो है वो U दीजिए, और Z जो है वो एज ए V दीजिए यहाँ पे, तो ये एल्गोरिथम आपको कह देगा
पाथ ही कोई नहीं है, ठीक है जी, इसके ऊपर। चलिए जी, ये यहाँ पे तो खत्म हो गया। आके है ये जी क्लासिफिकेशन ऑफ एचेस हैं, ये जरा बाद में करेंगे, ठीक है जी, या अगले एल्गोरिथम में भी जाके हम कर सकते हैं। पहले जो है आप इसी के ऊपर एक एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है जी, ताकि आपको किसी भी ग्राफ को एज ए डेप्थ फर्स्ट चलाना आ जाए, ठीक है जी। तो ये ब्रेड फर्स्ट वाला जो है, ये ग्राफ है, इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट चलाइए और एस को ऐसे सोर्स दीजिए और बताइए पहले कौन सी नोड उसका प्रेडिसेसर किया, उसके बाद दूसरी नोड उसका प्रेडिसेसर किया, उसके बाद तीसरी नोड उसका प्रेडिसेसर किया। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको एल्गोरिथम भी चाहिए है और ये भी चाहिए है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी आपको रहता दोनों चीज़ें एक साथ नजर आ जाए। और अगर आपके पास टाइम है और आप डिस्कवरी और वो भी दिखा सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि इसका डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम का था, लेकिन अगर वो ना भी निकाल सकें तो भी खैर है। ये जो एजेस थिकन है ना बेटा, ये ट्री एजेस कहलाते हैं। ये उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये भी क्लास के स्टार्ट में बीएफएस जब वो एक किस्म का रिव्यू कर रहे थे, सो दीज आर ट्री एजेस। किस ट्री को बिलोंग करते हैं, डेट डजंट मैटर। ये किसी और ट्री को बिलोंग करता है, ये किसी और ट्री को बिलोंग करता है, दैट डजंट मैटर, बट दीज आर ट्री एजेस। और यही चीज वहां पे भी थी, ट्री एजेस। ये एक क्लासिफिकेशन हो, ठीक है, ट्री एजेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इसके ऊपर बी लिखा हुआ है, ये देखिए, हम यहां पे आए थे, वाई वाई से हम एक्स पे आए और एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर जाके हमने कहा कि साहब इस जगह पे के जो है वो एक्स है। एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट पे कहा, जी बताइए साहब हमें आपकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर नोड कौन सी है। इसने कहा, जी मेरी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर वाई है। वाई का कलर वाइट है, नहीं है। अब ये देखिए, वाई जो है ये एंसेस्टर है एक्स का। एंसेस्टर का तो पता है ना, वहां से आप लोग पढ़ के आए हुए हैं,
DFS से, चाइल्ड पेरेंट इंसेस्टर, ये इसका पेरेंट ये है, इसका ग्रैंड पेरेंट ये है, ग्रैंड 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 ये है, तो एक्स का एंसेस्टर्स कौन से हैं, ये सारे एक्स के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, बाप दादा परदादा या माँ नानी पर नानी, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। अगर तो हम एल्गोरिदम इन इट्स एग्जीक्यूशन इज एट सम वर्टेक्स और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जो वर्टेक्स है वो उसका अंसेस्टर है, तो हम उसे बैक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक एज। और बैक एज जो है वो हमें बताता है कि ये यहां पे साइकिल है। ये देखिए साइकिल नजर आ रहा है ये। अगर ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना हो, डेप्थ फर्स्ट चलाओ और जहां पे आपको बैक एज मिल जाए इसमें ये साइकिल एज, बस इतना क्या देना है, साइकिल है। उस साइकिल में कौन कौन सी वर्टिसेस हैं वो एक अलग मसला है, उसको छोड़ दो, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ ए बैक एज टेल्स अस देयर इज ए साइकिल इन द ग्राफ। बैक एज समझ आ गया बेटा? ये तो वही है, ये भी वही है जी सर। इस ग्राफ में कोई और बैक एज है? ये देखे, यहां पे आए थे, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे गए, इसे कहा जी बता भी किधर है, इसने कहा जी ये एंसेस्टर है, इस पे चला गया। तो ये भी एक किस्म का बैक एज है, तो ये भी एक छोटा सा, ये फजूल सा साइकिल है, बट देयर इज दिस साइकिल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये आपका काम है, जरा जाके सोचिए इसे कि यहाँ पे तस्वीर में तो आपको नजर आ गया, इस पे थे, ये डिस्कवर हो गई थी, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे के एक ऐसा वर्टेक्स मिला जो एल्गोरिदम ऑलरेडी चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, ये उसका एंसेस्टर है, तस्वीर में तो आपको नजर आ गया, यहाँ पे कैसे नजर आएगा आपको, यहाँ पे कैसे कहोगे कि जी हाँ ये यहाँ पे सी आउट कर दिया, साइकिल मिल गया। तो इसको आप सोचिए जरा, बड़ा आसान है, ठीक है? उसका जो हम ये जो हम पीछे उसके जिसना हम उसके बैक के जो प्रीसाइडेड है वो जो हम ये कहते हैं उसका पड़ा पूरा पाथ चेक कर रहे हैं, अगर तो वो ये कहते हैं दोबारा अपने पाथ पे वापस जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बैक है। बेटा यहाँ पे लाइन लिखनी है, एक या दो लाइनें, और अगर वो मिल जाता है तो यहाँ पे प्रिंट आउट करा दो, ठीक है, ये बैक एज है, बस इतना बेटा, ये बैक एज है, ठीक है। तो बैक एजेस कौन सा है जी यहाँ पे जो हमने डिस्कवर किया एल्गोरिथम ने? एक्स और वी, दिस इज बैक एज, बस बैक एज मिल गया इसका मतलब है साइकिल है, तो बैक एज प्रिंट करा दो, चेंज करना है, ये थोड़ा सा जाके सोचो, ठीक है, आसान है बहुत। दैट्स अबाउट इट जी, टाइम हो गया भाई। तो इन दोनों को देखो, बेट फर्स्ट को, डेप्थ फर्स्ट को, अब मैं ट्यूसडे को इनके ऊपर क्विज लूंगा, मंडे को इसलिए नहीं ले रहा कि अगर कोई चीज पूछनी होगी तो वो मंडे को क्लास में या 3 बजे पूछ लेना। सो ट्यूसडे को BFS और DFS दोनों से सिंपल सा टेस्ट होगा, इसमें ज्यादा मुश्किल तो बात ही नहीं की है सर। चलो कोड जी, कोड किस चीज का कोड लिखाना है? सारा कुछ तुम्हारे पास ओपन पड़ा होता है, अगर मैं कोड कहूं भी तो तुम ओपन कर दोगे उसे। ये तो सर आपने ठीक कहा। सर हम आपको ऐसे लगते हैं। नहीं, मैंने आज की क्लास की शुरू में कहा नहीं था भाई कोड खोल के रख लो उन दोनों का, मैं तो खुद का है ये। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। Thank you.
जी चलो कोई सी सबमिट करवाया, थोड़ा टाइम करते हैं बेटा। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं कर भी दूं तो तू नहीं भेज सकेगा, ये पहले तजर्बे करके देख चुके हैं बेटा। चलो सारी एवरेज खराब हो जाएगी इसलिए। बेटा आपको क्या कर सकता हूँ, जब मैंने दूसरों कहा भी था दो मिनट रह गए हैं, मेरे ख्याल में एक मिनट रह गए हैं। बेटा स्टार्ट एक मिनट लेट हुआ था, एक पूरा एक मिनट भी लेट किया था आपने, अपलोड कर दिया था, मैंने लेट स्टार्ट किया था। क्यों किया था तूने? सर वो ऑनलाइन लेट आया था, नेट का थोड़ा मसला था वैसे भी। बेटा ये फिर उसके बीच में मुझे कहा करो कि सर मैं लेट आया हूँ, मेरे लिए कोई टाइम को कर कुछ कर, उस वक्त मैं करूँगा। तूने 11:23 पे मुझे कहा है, उस वक्त मैं जाके अगर टाइम, और मैं सिर्फ उस वक्त तक एक्सटेंड कर सकता हूँ टाइम जबकि फिनिशिंग टाइम गुजरा ना हो। द मोमेंट फिनिशिंग टाइम गुजर जाता है तो टीचर के पास से कंट्रोल निकल जाता है। सर नहीं कर सकते, ये किया है, ये मिड टर्म में भी किया था, पिछले मिड टर्म में, स्प्रिंग के मिड टर्म में। बच्चे मिड टर्म खत्म होने के बाद मेरे पास बैठे रहे जी कि ये क्विज का जो टाइम था जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला वो गुजर चुका है। मैंने उनके साथ जाके 5 मिनट तक लगा रहा, वो नहीं, वो एक्सटेंड नहीं। तो ये तजर्बा हो चुका है, मैं खुद पर्सनली कर चुका हूँ। आइंदा कभी ऐसा हो तो क्विज के टाइम के बीच में मुझे बाद में कहने का कंट्रोल मेरे पास से निकल जाता है। चलो सर, सर वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूं आपको? नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। वो उस वक्त पहले कहते तो फिर मैं तुझे कुछ ना कुछ तरीका कह देता कि यूं करो वूं करो, अब क्लास खत्म होने के बाद। दोबारा ऐसा है तो बीच में को टाइम खत्म होने से पहले जी ये मेरा कुछ मसला है, फिर बैठ के वहाँ पे कुछ करके इसके अलावा भी कुछ किया जाता है। स्क्रीनशॉट भिजवाई जा सकती है, मैं कह मुझे ईमेल करते वो हो सकता है, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले एक मिनट दो मिनट बाद, यानी टाइम खत्म होने से पहले मुझे कहो जी कि मुझे एक दो मिनट प्लीज सर वो मुझे और, फिर मैं कहूँगा अच्छा ईमेल करते मुझे, और मुझे ईमेल से टाइम पता चल जाएगा तुमने एक मिनट लिया दो मिनट लिया या पाँच मिनट, ठीक है? आइंदा से ऐसा कर। ठीक ओके अल्लाह हाफिज़।